तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जो आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 7 से 28 अगस्त के बीच में, उसी के सामान्य जागरूकता बिहार जीके के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है, 7 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन ही शेष हैं, तो आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन के और बिहार जीके के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा सामान्य अध्ययन बिहार जीके की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का, 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चंस रहेगा, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? होप्स, प्लूटो, अरस्तु, मैकियावेली। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकियावेली के द्वारा किया गया। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? निर्वाचन आयोग, बी है वित्त आयोग, सी है योजना आयोग, डी है संघ लोक सेवा आयोग। किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है? तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, वी है इल्तुतमिश, सी है बलबन, डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इल्तुतमिश को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिप रेखा, डूरंड रेखा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा दो देशों के बीच सीमांकन नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, पांचवा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, संस्कृत। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिष्ठ नहीं है? अंग्रेजी भाषा। तो ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 24 फरवरी 1945, 24 दिसंबर 1948, 16 नवंबर 1945, 11 दिसंबर 1946 को। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यूनेस्को की स्थापना वर्ष 16 नवंबर 1945 को हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, सातवां क्वेश्चन हमारा है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में, वी है नवंबर दिसंबर में, सी है जून जुलाई में, डी है अक्टूबर नवंबर में। खरीफ की फसल कब बोई जाती हैं? तो खरीफ की जो फसल है ना जून जुलाई में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? पेरिस, ओस्लो, रोम, इस्तांबुल। यूनेस्को का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ना ये पेरिस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नवा क्वेश्चन देखिएगा, खरीफ की फसल
कब काटी जाती है? जून जुलाई में, वी है मार्च अप्रैल में, सी अक्टूबर नवंबर में, डी है जनवरी फरवरी में। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? तो खरीफ की जो फसल है ना अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दसवां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? विलियम बेंटिंक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बारबोसा किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय प्रथम, वी है देवराय द्वितीय, सी है कृष्ण देवराय, डी है हरिहर एवं बुक्का। बारबोसा कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया था, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? गांधी जी गंभीर रूप से बीमार थे, वी है भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, सी है लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया था, डी है गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया एवं आंदोलन रुकने के लिए मजबूर किया गया। भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 25, 35, 30 या 20? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, 14वां, भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? 6, 7, 8 या 9? भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो भारत में कुल 6 द्विसदनीय व्यवस्था है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखेगा, गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड, वी है उत्तर प्रदेश, या बिहार, डी है हिमाचल प्रदेश। गंगिया कर्मा जो है ना ये बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के एक नोट का रंग क्या है? चॉकलेट ब्राउन, लाइट ऑरेंज, डार्क पीला, ब्लैक ग्रे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए 10 रुपए के नोट का रंग है चॉकलेट ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैंकों का बैंक इनमें से किसे भारत में कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न भारतीय बैंकों में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, फेडरल बैंक, देना बैंक। देखिए फेडरल बैंक जो है ना ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956, 1958, 2005 या 1954? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, भारत और विश्व बैंक ने किस राज्य में बेहतर जल आपूर्ति के लिए $120 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। भारत और विश्व बैंक ने उत्तराखंड राज्य में जल आपूर्ति के लिए $120 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा बच्चों, उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, बी है उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने के लिए, सी है ग्राहकों की शिकायतों का सरल
द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए डी है उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? महानदी, दामोदर नदी, गंगा नदी, कोशी नदी। हीराकुंड नदी परियोजना ये महानदी पर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर, परमाणु ऊर्जा, कोयला। कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? परमाणु ऊर्जा जो है ना ये बायोमास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा। कर्क रेखा जो है ना ये ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, KWS किलोवाट आवर किसकी इकाई है? त्वरण, वेग, शक्ति, ऊर्जा। तो KWS किलोवाट आवर जो है ना ये ऊर्जा की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, यहाँ से देखिए आपके बिहार जीके के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 25 मार्च? बिहार दिवस जो है ना ये 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मुंगेर। बिहार की राजधानी, तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी है पटना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 28वां क्वेश्चन, बिहार का उच्च न्यायालय है पटना, सारण, कोशी, मगध। बिहार का उच्च न्यायालय कहां पर है? तो बिहार का उच्च न्यायालय ये पटना में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, हिंदी व उर्दू, संस्कृत व उर्दू, हिंदी व संस्कृत, डी है इनमें से कोई नहीं। बिहार की राजकीय भाषा, तो बिहार की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी व उर्दू, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? बेल, पीपल, आम या नीम। बिहार का राजकीय वृक्ष, तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगी हैं? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगी हैं? मध्य प्रदेश में बिहार की सीमाएं नहीं लगी, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, बिहार का कौन सा क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है? पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र, डी है गंगा का मैदान। बिहार का उत्तरी बिहार का तराई क्षेत्र भारत का उद्यान कहा जाता है, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम। बिहार शरीफ में उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी, तो जो भी बच्चे वी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा, मध्यकाल में किसके शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था? मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। मध्यकाल में शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में प्रभाव था, तो जो भी बच्चे वी ऑप्शन की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 35वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया? तात्या टोपे, कुमार सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह का बिहार में किसने नेतृत्व किया था? कुमार सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, पटना में गोलघर का निर्माण क्यों किया गया था? सैनिक छावनी के लिए, प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए, अनाज के भंडारण के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो पटना में गोलघर का जो निर्माण है ना अनाज के भंडारण के लिए किया गया था, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
1761 में बिहार का उपप्रांतीय बनाया गया। राम बरिश, राम नारायण, राजबल्लभ, खिताब राय। 1761 में बिहार का उपप्रांतीय बनाया गया राजबल्लभ को, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई थी जिसके अध्यक्ष थे जेम्स अलेक्जेंडर, राजा सिताब राय, सैंपुल मिडलटन, रॉबर्ट पाल। 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति जेम्स अलेक्जेंडर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर, चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड, जॉन वेनस्टॉट, रॉबर्ट पाल्क। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? पटना, भागलपुर, मुंगेर, बक्सर। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी, तो सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिहार का राजकीय पशु किसे माना जाता है? गाय, चीता, शेर या बैल? बिहार का राजकीय पशु किसे माना जाता है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल को माना जाता है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वर्ष चंपारण के किसानों ने नील की खेती की स्थिति को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? 1914, 1923, 1935 या 1947? वर्ष 1914 में चंपारण के किसानों ने नील की खेती में स्थिति को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठ पूजा किस माह में मनाई जाती है? नवंबर और जुलाई, मार्च और नवंबर, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अगस्त। छठ पूजा जो है ना मार्च और नवंबर में मनाई जाती है, तो बी ऑप्शंस जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रसिद्ध विहार आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1974, 1975, 1970, 1972। प्रसिद्ध विहार आंदोलन वर्ष 1974 में शुरू हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1999, 1995, 1988, 1991। जयप्रकाश नारायण को वर्ष 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 1999। 46वां क्वेश्चन देखिएगा, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? 15 नवंबर 2000, 25 नवंबर 2001, 23 नवंबर 2002, डी है इनमें से कोई नहीं। झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ 1932, 1936, 1937, 1938। बिहार और उड़ीसा का विभाजन वर्ष 1936 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार का अनुमंडल है 95, 101, 105, 119। बिहार का अनुमंडल है 101। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 21, 23, 25 या 30? बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कुल है 21, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।